सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको लाठी चलाने के कुछ बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सिखाएंगे। तो अगर आप इन स्टेप्स को सीखते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, तो आगे के जो एडवांस जो स्टेप्स होते हैं, एडवांस जो टेक्निक्स होती है लाठी चलाने की, वो भी आप सही से कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको इस वीडियो को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे स्टूडेंट हैं, साथ में एक एक टेक्निक्स करेंगे और मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो आप ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमें सैल्यूटेशन करना है। कोई भी कला करने से पहले मार्शल आर्ट्स की एक सैल्यूटेशन होता है। जिस तरह हम कराटे में सैल्यूटेशन करते हैं पूरा कंप्लीट, उस तरह से लाठी चलाने के लिए भी एक सैल्यूटेशन होता है। पहले सैल्यूटेशन करेंगे, मतलब हिंदी में बोले तो उसकी सलामी देंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो सैल्यूटेशन किस तरह करना है वो आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले पैरेलल स्टांस में खड़े हैं, पैर ज्वाइन करके खड़े हो जाओ। हाँ, पैर ज्वाइन करके खड़ा रहना है, पहला स्टेप। दूसरा, लाठी को 3 हिस्से में डिवाइड करो, 3 बराबर हिस्से में डिवाइड करना है। सीधा हाथ नीचे से ऊपर की तरफ, उल्टा हाथ ऊपर से नीचे की तरफ, ये उल्टा हाथ और ये सीधा। बायां हाथ ऊपर आएगा, दायां नीचे, ठीक है। इसको अगर आप उल्टा कर देंगे तो सैल्यूटेशन पूरा गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं पकड़ना है, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। सीधा हाथ नीचे से ऊपर की तरफ और उल्टा हाथ ऊपर से नीचे की तरफ, और इस तरह खड़ा रहना है 3 हिस्से में डिवाइड करके। बराबर से करो स्टेप। ये स्टेप 1, 2 में सीधा खड़े हो जाओ। हाँ, 2 में आपको इस तरह खड़ा रहना है। लाठी आगे की तरफ होनी चाहिए, पीछे की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमें रोटेट करना है। यहाँ से ये हो गया स्टेप 1, ये 2। 3 में लाठी को ऊपर उठाना है, इस तरह इतना ऊपर उठाना है कि हमारे बेल्ट तक हमारा हाथ आ जाए। 3, यहाँ आने के बाद हमें फॉरहेड से लाठी को डिवाइड करना है, यानी इस पोजीशन में भी लाठी 3 हिस्से में डिवाइड होनी चाहिए। 3 हो गया, 4, ये 4। यहाँ पर 3 हिस्से बराबर होने चाहिए, तभी सैल्यूटेशन सही होगा। ये फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। 5, टर्न, ये ओस। झुकते समय, बो करते समय लाठी फ्लोर पर टच नहीं होनी चाहिए। 5 में हमें फर्स्ट पोजीशन में आ जाना जहाँ हम थे। 6, पैर खोल के लाठी को 1 फिस्ट डिस्टेंस पे आ जाना है। जब हम पैर बाहर करेंगे तो लाठी को हमें इस तरह से पकड़ना है, एक मुट्ठी का गैप होना चाहिए बीच में, ठीक है। अब हम करेंगे, सबसे पहले सैल्यूटेशन हो चुका है, अब हम सीखेंगे फॉरवर्ड रोटेशन। लाठी को ऊपर से नीचे की तरफ कैसे घुमाना है और ऊपर से नीचे की तरफ कैसे मारना है। ये बहुत बेसिक स्टेप है, और ये स्टेप सीखने के बाद लाठी के जितने भी स्टेप्स हैं वो सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये है कि लाठी को ऊपर से नीचे की तरफ मारना, ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना। अपने दुश्मन को आप ऊपर से, इस छोर से, इस लाठी के इस पार्ट से, इस सिरे से और ये नीचे, दोनों पार्ट से आप सर पर अटैक कर रहे हो। इस तरह 1, 2 करके दिखाओ इसको। दोनों हाथ से, बोथ हैंड, दोनों हाथ से लाठी पकड़ना है, एक मुट्ठी का गैप रखना है। स्टार्ट। 1, ये ऊपर से नीचे की तरफ। 2, 3, 4, 5, 6। लाठी आपके पैर के पास से और हाथ के पास से गुजरनी चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप। अभी इसको हम थोड़ा स्पीड से आपको करके दिखाएंगे, थोड़ा फास्ट करो। फॉरवर्ड रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप। अभी इसको इस साइड से देखेंगे हम, किस तरह लाठी नीचे जाती है, किस तरह ऊपर आती है। हमारे हाथ के पास से और पैर के पास से लाठी आना ज़रूरी है। मतलब ये हुआ है इसका कि लाठी से हम पूरी बॉडी को सेफ कर रहे हैं, पूरी बॉडी कवर कर रहे हैं, इसलिए। स्टार्ट। धीरे। 1, 2, 3, 4। स्टॉप। स्टॉप धीरे धीरे करो करो करो। यहाँ स्टॉप। ये पैर के पास से ऊपर उठाओ धीरे धीरे, ये हाथ के पास से, बिल्कुल इस तरह से लाठी जानी चाहिए। 6, हाँ थोड़ा स्पीड से। 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्टॉप। ये था फॉरवर्ड रोटेशन विथ बोथ हैंड, दोनों हाथों से लाठी को ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना और मारना। अभी इसको, इसी टेक्निक को सिंगल एक हाथ से करेंगे, सिंगल हैंड विथ राइट हैंड। हाँ, एक हाथ चेस्ट पे रखो या फिर पीछे, हाँ इस तरह एक हाथ रखेंगे ताकि हमारे हाथ पे कहीं लाठी लगे नहीं, इसलिए यहाँ या फिर यहाँ। अब इसी स्टेप को सिंगल हैंड से करेंगे, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। नाउ लेफ्ट हैंड, अब बाएं हाथ से इसी स्टेप को करेंगे हम, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, थोड़ा स्पीड से, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये था फॉरवर्ड रोटेशन बोथ हैंड और सिंगल हैंड। अब हम करेंगे बैकवर्ड रोटेशन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मीनिंग ये है कि आप किसी को इस तरह मार रहे हो, ये अपने दुश्मन को नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मारना और ऊपर से नीचे की तरफ मारना। यही आज का वीडियो का बेसिक जो लेसन है वो यही है कि ऊपर से नीचे की तरफ लाठी किस तरह जाती है। ज़्यादातर लोग शुरू में ही इस तरह घुमा लेते हैं, लेकिन जब बैकवर्ड रोटेशन करना आता है या बैकवर्ड रोटेशन जब उन्हें सिखाया जाता है तो उनसे नहीं हो पाता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ लाठी किस तरह घुमाना है, अब हम वो सीखेंगे। हाँ, इस तरह खड़ा रहना है, पोजीशन सेम रहेगा, बस फॉरवर्ड रोटेशन में हम इस पार्ट को, जो टॉप है, इसको हम नीचे लेकर आते हैं, नीचे, ऊपर से नीचे। बैकवर्ड में इसको सीधे यहीं से, जहाँ है ये पोजीशन, यहीं से पीछे जाएगा। ठीक है, करके दिखाओ। इस टॉप को पीछे, 1, ये बैकवर्ड रोटेशन नीचे से ऊपर की तरफ, 2, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, अच्छे से पकड़ो लाठी, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। टर्न, हाँ उस तरफ टर्न करो। अब बैकवर्ड रोटेशन को हम साइड व्यू में देखेंगे, फॉरवर्ड में आगे की तरफ, बैकवर्ड में पीछे की तरफ, नीचे से। सेम इसमें भी हाथ के पास से और पैर के पास से लाठी जाएगी, करके दिखाओ स्लो में। इधर ये फोर आर्म्स के पास से, बाइसेप्स के पास से, इधर से नीचे पैर के पास से होते हुए, 1 2, हाथ थोड़ा सा नीचे चेस्ट के सामने, 3 4, स्टॉप। यहीं रुको, यहीं रुको। और एक कोशिश ये करना है कि जब हम लाठी घुमाते हैं तो हमारे फिंगर इस तरह छूटे नहीं, इस तरह लाठी नहीं घुमाना है। कोशिश करना है कि लाठी कलाई से घूमे, रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी से लाठी घूमे, वो कोशिश यही करना है। थोड़ा लूज़ होता है ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना है कि ग्रिप हमारी बंधी रहे और हमारी पूरी मुट्ठी अच्छी तरह से हो, ताकि वेपन हमारे हाथ से छूटे नहीं। अगर हम लूज़ इसको घुमाएंगे और ये गिर जाता है या फ़ाइट करते समय छूट जाती है हमसे, तो जिससे हम फ़ाइट कर रहे हैं या जिससे हम अपना बचाव कर रहे हैं, वो उसी लाठी से हमारी पिटाई कर देगा। इसके लिए हमारे से वेपन छूटना नहीं चाहिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा स्पीड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। नाउ सिंगल हैंड, अब हम करेंगे इसी स्टेप को सिंगल एक हाथ से। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। टर्न, तो फॉरवर्ड रोटेशन हो चुका है, सिंगल हैंड बोथ हैंड, बैकवर्ड रोटेशन हो चुका है। अब हम एक स्टेप और सीखेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के कांटों की तरह लाठी को किस तरह घुमाना है, घड़ी के डायरेक्शन में किस तरह घुमाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसको हम 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके सिखाएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अच्छे से इसको एक बार। ये स्टेप 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 में हम रेडी हैं, ये 2 में ऊपर हाथ, 3 में रिप्लेस किया, 4 में ये आके। अब 1, 2 एक रोटेशन है, सिर्फ आपको लाठी को घुमा के बार बार हमें लेफ़्ट हैंड में देना है इस तरह। ये इतना ही है, ये बस लाठी घूमने लगेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये थे लाठी की कुछ बेसिक टेक्निक के वीडियोस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टेप्स आप अच्छे से करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको आगे की ट्रेनिंग भी करवाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं लाठी की या अदर वेपन्स की, जैसे नंचाकू है, तोनफा है, कामा है या स्वॉर्ड है या फिर कराते की, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।